जिला बडगाम से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुबारक हुसैन ने NSF अवार्ड जीतकर पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया है। सैयद मुबारक हुसैन ने ये एजाज न्यूरो साइंस में हासिल किया है। सैयद मुबारक हुसैन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में बायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हें ये एजाज नेशनल साइंस फाउंडेशन की जानिब से मिला है। इस एजाज की मदद से वो दिमागी नशोनुमा और अफहाम तफहीम की डेवलपमेंट और हरकत को मजीद समझ सकते हैं। ये अवार्ड उन साइंसदानों को दिया जाता है जो तालीमी मैदान में मिसाली खिदमात अंजाम देते हैं। इस इनाम के तहत मुबारक हुसैन को 1.8 मिलियन डॉलर की माली मदद मिलेगी। सैयद के इस एजाज से उनके अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। सैयद मुबारक हुसैन ने इब्तदाई तालीम वहाबपुरा बडगाम में कायम इस्लामिया पब्लिक स्कूल से हासिल की। हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम से उन्होंने सेकेंडरी लेवल की तालीम हासिल की और इसके बाद उन्होंने SP कॉलेज श्रीनगर से बी फार्मेसी की डिग्री हासिल की। मुबारक हुसैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से बायोकेमिस्ट्री में मास्टरी की डिग्री हासिल की। इसके बाद सैयद मुबारक हुसैन मजीद तालीम हासिल करने के लिए बेंगलोर गए, जहां उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस से GRF किया। मुबारक हुसैन ने जर्मनी से न्यूरोबायोलॉजी में PhD हासिल की और फिर हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में पोस्ट डॉक्टरेट किया। पूरी ये खुशी पूरे कश्मीर के लिए, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे गांव के लिए। उसको पहले से ही बचपन से ही शौक था उनको इस रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। हालांकि उन्होंने मुझे भी ये फील्ड चूज करने की सजेशन दी है और उनके कहने पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया है। सैयद मुबारक हुसैन की इस कामयाबी पर मकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। हमने देखा तो बहुत गाँव में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत ही एक्चुअली गरीब घराने से भी लड़का था पहले, उसने बहुत ही मेहनत की। बाद में अभी आज देखो, पहले जर्मनी में उसने किया था कुछ, उसके बाद PhD के लिए गया था अमेरिका, अभी मैक्सिको में है। तो कल ये न्यूज जब आई तो गांव में सबने देखा तो बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। सैयद मुबारक हुसैन नई जनरेशन जो साइंस के फील्ड में जाना चाहती है उनके लिए एक बड़ी मिसाल है। ETV भारत के लिए बड़गाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।